चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव एड्रेसिंग people at a book launch there. Will he talk about Durga Nagpal? A short while earlier, he had made veiled references to Durga Nagpal, where he said that if an officer does something wrong, the officer should be punished. Samajwadi Party ke pratyashi Ashok Vajpayee ji, Ram Ashray Vishwakarma ji, Mantri Om Prakash ji, आदरणीय श्रीमती मधु गुप्ता जी, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधु, आज हम सब लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से श्रद्धा के स्मरण प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे साथियों ने और समाजवादी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत सारी बातें जनेश्वर मिश्र जी के बारे में बताया। जनेश्वर मिश्र जी आज हमारे बीच में होते तो बहुत खुशी उनको थी, और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमारे समाजवादी साथी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और समाजवादी साथियों ने ही ये पार्टी आगे बढ़ाई है, और आज बहुमत की सरकार देखते तो मैं समझता हूं बहुत दिशा देने का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे निर्णय फैसले जो सरकार लेती है उनका सहयोग, उनके विचार मिलते, और इसलिए भी कि उन हम में से बहुत सारे साथी हैं और जितने साथी यहाँ बैठे हैं समाजवादी, उन्होंने जनेश्वर मिश्र जी को देखा भी है, सुना भी है। इसमें कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो उनके शिविर के भाषणों को ना सुना हो। गरीब के बारे में और गरीब किन परिस्थितियों में जीता है वो कितनी समझदारी से, कितनी आसानी से हम लोगों को समझा देते हैं, और एक एक शिविर का भाषण उनका यादगार भाषण है, चाहे वो झांसी का हो, सोनभद्र में, आगरा में। और जब कभी भी उन्होंने अपील की, आंदोलन की, तो मैं समझता हूं पूरी पार्टी ने मिलकर के आंदोलन और कार्यक्रम को सफल बनने का काम किया। आगरा में सम्मेलन था, याद होगा, राष्ट्रीय, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि साइकिल चलाएंगे, और लगातार उसके बाद पार्टी ने साइकिल चला करके समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया। कोई उपचुनाव रहा हो और तमाम ऐसी बातें जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते थे, वो आसानी से समझा देते थे। बलिया में चुनाव जो था, जब चुनाव चल रहा था, एक गांव में हमारे बहुत सारे समाजवादी साथी थे। जब उन्होंने वो कहानी वो बताई, वो किस्सा और सच्चाई जब बताई, बहुत सारे साथियों को याद होगा, पढ़ रहा और बछड़ा वाली बात, और वो बात ऐसी चली कि कोई हमारा नेता कार्यकर्ता नहीं बचा जिसने गांव गांव में वो बात ना कही हो। और जो जमीन पे जनता थी, किसान थे, गांव में रहने वाले लोग, वो बात समझ गए कि बसपा का जो प्रत्याशी है, वो जो चुनाव लड़ रहा है, वो कौन है, वो आसानी से बता दे गए। इसी तरह बहुत सारी और भी बातें, जब राष्ट्रीय सम्मेलन था आगरा में, तो किसी हमारे समाजवादी साथी ने कोई बहुत बड़ा, उसके पीछे पूरा का पूरा मीडिया, पूरे के पूरे तमाम दल लग गए। देश में जाने कितने कवि एसडीएम सस्पेंड हुए होंगे, और पुरानी सरकार ने तो जाने क्या क्या कराया था, जाने क्या क्या पुरानी सरकार ने किया था। जहां हम लोग बैठे हैं, इसी के बगल में पता नहीं हत्या हुई थी कि फांसी लगा ली थी या क्या हो गया था एक आईएएस। तमाम चीजें आप जानते हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में कल बहुत सारे साथी अंदर तक घूम रहे थे, वहां आईएएस लोग भी जूता उतार के जाते थे।
अंदर घुस नहीं पाते।